मेरे पीछे बोर्ड पे ये जो आप चार इक्वेशंस देख रहे हो, थर्मोडायनामिक्स में मैक्सवेल इक्वेशंस इन्हीं को बोला जाता है। ये इक्वेशंस नंबर 1, 2, 3, 4, ये चार इक्वेशंस ही थर्मोडायनामिक्स की मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। दिखने में ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी आपको लग रही होंगी, बहुत कुछ ये तामझाम यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि इन चार इक्वेशंस को याद कैसे किया जाए, कैसे याद रखोगे। सिंपल सा शॉर्टकट सा ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इतना सिंपल है कि एक चुटकी बजाते ही समझो चारों इक्वेशंस आपकी तैयार हो जाएंगी, तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड बचेगा नहीं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि चारों को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें इन चारों इक्वेशंस को आपके सामने विद प्रूफ रखूंगा, यानी प्रूव करके दिखाऊंगा, डेराइव करके दिखाऊंगा चारों इक्वेशंस को, ठीक है। और उससे नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगी उसमें थर्मोडायनामिक्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट टीडीएस इक्वेशंस हैं, वो हम मैक्सवेल इक्वेशन से कैसे लिख सकते हैं वो आपको बताऊंगा। तो ये तीनों ही वीडियोस बहुत खास होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। चलिए आज के लेक्चर की बात करते हैं जिसमें चारों इक्वेशंस कैसे याद रखें उसको बताने जा रहा हूं। उससे पहले चारों इक्वेशंस में है क्या क्या जरा वो नजर डाल लेते हैं। चारों इक्वेशंस में सिर्फ चार ही पैरामीटर्स हैं, पांचवा कोई नहीं है। कौन से चार पैरामीटर्स हैं? एस, वी, पी और टी, बस चार हैं। S, V, P और T, ध्यान दीजिए, S, V, P और T, ये क्या क्या हैं? S है एंट्रोपी, ये सब चीजें अब आपको पता होंगी क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मैंने एक एक चीज आपको अच्छे से खुलासे कर करके समझाई है। एंट्रोपी, V क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ द गैस। P क्या है? प्रेशर, प्रेशर ऑफ द सिस्टम, प्रेशर ऑफ द गैस, राइट। और टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल के ऊपर, यानी केल्विन स्केल के ऊपर। यहाँ पर टी वी पी एस, टी पी वी एस लिख रखा है, तो ये भी वही चार पैरामीटर्स हैं, एस वी पी टी। घुमा फिरा के इधर उधर करके चार इक्वेशंस हमारी तैयार हो गई। इन इक्वेशंस में है क्या? एंट्रोपी में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, दैट इज डेल एस बाय डेल वी, चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम को चेंज करने से एंट्रोपी में क्या चेंज आया? कब? जब हम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख रहे हैं सिस्टम का, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आने देना आपने, वॉल्यूम चेंज कर कर देखो और फिर देखो एंट्रोपी में क्या चेंज आया। चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये इसका मतलब है। ऐसे ही ये टर्म क्या हुई? चेंज इन प्रेशर ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर बट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम को चेंज नहीं करना आपने, टेम्परेचर को चेंज करो और फिर देखो प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टर्म्स आपके पास यहाँ पे हम लिख रहे हैं, चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इस तरह से। अच्छा, दो बातें और यहाँ पे खास हैं, वो भी सुन लो। डेल एस बाय डेल वी हमने क्यों लिखा, डी एस बाय डी वी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एस है एंट्रोपी, एंट्रोपी वॉल्यूम पर भी डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रही है, प्रेशर पर भी डिपेंड कर रही है, हर एक चीज बाकी के तीनों पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। जैसे हम जनरली लिखते हैं ना, सपोज हमारे पास कोई जेड फंक्शन है, जेड इज ए फंक्शन ऑफ पैरामीटर्स एक्स एंड वाई, दो पैरामीटर्स पर डिपेंड करने वाला जेड है, तो हम लिखेंगे डेल जेड बाय डेल एक्स। जेड एक्स के हिसाब से कैसे वेरी कर रहा है, जेड वाई के हिसाब से कैसे वेरी कर रहा है, डेल जेड बाय डेल वाई। तो ये डेल क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव, वो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट सारे वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं क्योंकि एक चीज एक के अलावा दो तीन चार पर डिपेंड कर रही है, इसलिए हम पार्शियल डेरिवेटिव से चेंज दिखा रहे हैं। पहली बात तो ये थी। और दूसरी बात क्या है, ये दो इक्वेशंस में यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, लेफ्ट राइट में देखो पॉजिटिव पॉजिटिव है, लेकिन इक्वेशन नंबर 3 और 4 में क्या है, यहाँ पे माइनस साइन लगाया है, एक टर्म के साथ माइनस, या इधर लगा दो या इधर लगा दो, बस ये बातें ध्यान रखने वाली हैं। तो चलिए अब फटाफट से बता देता हूँ कि इन इक्वेशंस को कैसे याद किया जाए, कैसे लिखा जाए। देखो, पहली दो इक्वेशंस लिखने के लिए जिनमें प्लस प्लस का साइन है, नेगेटिव नहीं है, आपने क्या करना है, सबसे पहले पैरामीटर्स लिख लो कुछ इस तरह से, एस वी पी और टी,
ठीक है, एस वी पी टी, चारों पैरामीटर्स है ना, चारों हमने ऐसे लिख लिए एस वी पी टी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो मैं कुछ ऐसा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से, बस यहीं से हमारी इक्वेशंस जनरेट हो जाएंगी, देखो इस तरह से, और ये क्रॉस है, ये इस तरह से क्रॉस है। अब क्या किया हमने, देखो इन दोनों को आपने डेरिवेटिव में लेना है, डेल एस बाई डेल वी, डेल एस बाई डेल वी, डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दैट विल बी इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जो ऊपर वाला है उसके रिस्पेक्ट में आपने देखना है, ठीक है, वो कॉन्स्टेंट वाला पैरामीटर बनेगा। फिर से देख लीजिए ध्यान से, डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो यही आपके पास पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन लिखने के लिए हमने क्या किया, उसका उल्टा, डेल वी बाय डेल एस, डेल वी बाय डेल एस, वी के सामने क्या है पी, सो डेल वी बाय डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी, डेल वी बाय डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी, दैट विल बी इक्वल टू डेल टी बाय डेल पी, डेल टी बाय डेल पी, डेल टी बाय डेल पी, टी के सामने था एस, एट कॉन्स्टेंट एस, ठीक है जी। तो सिंपल था, दो इक्वेशंस हमारी जनरेट हो गई, ये थी प्लस वाली। अब बाकी की नेगेटिव वाली इक्वेशंस लिखने के लिए क्या करना है, फिर से कुछ ऐसा ही लिख लेते हैं, एस वी पी टी, देखो एस वी पी और टी। अब आपने क्या करना है, जो डेरिवेटिव्स लेने हैं वो इस तरह से लीजिए, इस साइड में, ओके इस साइड में लीजिए, और बाकी इनको हमने क्रॉस ही करना है। अब देखो कैसे इक्वेशंस जनरेट होंगी, सबसे पहले डेल एस, डेल एस बाय डेल पी, डेल एस बाय डेल पी, एस के सामने था टी, तो डेल एस बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो ये नेगेटिव वाली है तो माइनस आ गया, ओके okay? और लास्ट उल्टा करना है, डेल पी बाय डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी, डेल पी बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी, पी के सामने वाला जो ऊपर है उसके सामने देखना है क्या है, डेल पी बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल टी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी के सामने, डेल टी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस, डेल टी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस, ये माइनस वाला। तो बहुत सिंपल सा खेल था, ये स्क्वेयर टेक्निक से हमने चारों इक्वेशंस बड़ी आसानी से लिख ली। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल कहानी तो थी ही नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल जो दिखने वाली चीज थी चुटकी बजा के हमने याद कर ली। नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलिएगा, इन्हीं मैक्सवेल इक्वेशंस को मैं आपके सामने विद प्रूफ रखने जा रहा हूँ, डेराइव करके आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय।